तीन इंडियन शोज बताता हूँ जिनको भाई आपको जरूर देखना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं। तो दोस्तों लास्ट वाला जरूर सुनना क्योंकि ये काफी कम लोगों ने अभी तक देखा है लेकिन कमाल का शो है। तो दोस्तों पहला शो है फैमिली मैन। दोस्तों इस शो के अंदर हमको नेशनल इंटेलिजेंस ऑफिसर की कहानी दिखाई है जो कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों उसकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हमको काफी अच्छा एक्शन और काफी अच्छा थ्रिल देखने को मिलता है लेकिन साथ ही उसकी एक पर्सनल लाइफ भी है जिसके अंदर हमको एक अच्छा ड्रामा और कॉमेडी देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगला शो है असुर। इस शो के अंदर दोस्तों एक मर्डरर दिखाया जो कि इंडियन मैथोलॉजी से इंस्पायर होकर लोगों का मर्डर कर रहा होता है और दोस्तों जब भी मर्डर करता है एक क्लू छोड़ के जाता है पुलिस को चैलेंज करने के लिए कि वो उसको पकड़ के दिखाए। अब दोस्तों इस शो के अंदर जो थ्रिल देखने को मिलेगा भाई आपने शायद ही किसी शो के अंदर देखा हो, तो दोस्तों उसको जरूर देखना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। और दोस्तों आखिरी शो है सुजल दी वोटेक्स। इस शो के अंदर दोस्तों साउथ इंडिया का छोटा सा गांव दिखाया जिसके अंदर एक फैक्ट्री दिखाई जिसमें आग लग जाती है और जिस रात उस फैक्ट्री में आग लगती है उसी रात उस गांव में से छोटी सी लड़की गायब हो जाती है। दोस्तों पुलिस अपनी तहकीकात करती है पता करने के लिए लड़की कहां गई और फैक्ट्री के अंदर क्या हुआ था। जैसे जैसे कड़ियां खुलती जाती हैं भाई क्या शो बनता जाता है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसको जरूर देखना।